पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मौके पर कायम है। हुकूमत का ये मौकफ था कि एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे मुतालिक एक बड़ी और अहम पेशरफ्त है जिसके लिए हम बात करेंगे दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी से। अंसार साहब, क्या कोई फैसला किया है हुकूमत ने इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में आपको बताया कि एक दो दिन से इनकी आपस में कॉन्फ्रेंस हो रही है पीटीआई की और लीडरशिप के दरमियान, खासतौर के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर के दरमियान। तो अभी फिर फाइनली फैसला गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ, इंटीरियर मिनिस्टर ने मेरे सोर्सेज के मुताबिक पीटीआई की लीडरशिप को ये कन्वे कर दिया है कि ये कल जो है कल सुबह गवर्नमेंट के मतलब प्रिंस हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद का, इसके डॉक्टर जो है वो विजिट कर लेंगे इमरान खान साहब को, और ये वो एक दरमियानी रस्ता है कि जो कि उनको ऑफर किया गया है। और इस वक्त मेरी इत के मुताबिक पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, उन्होंने अपने जितने भी कोलीग हैं उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं, और ये है उम्मीद की जा रही है कि जी इस डेवलपमेंट के साथ कल का जो 15 अक्टूबर का जो मार्च था और जो एहतजाज था, बल्कि इस्लामाबाद में डी चौक में, पॉसिबिलिटी है कि उसको कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका अंसार अब्बासी साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया है।